हाँ जी सुनिएगा, लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया है? सर हमने ना इम्पेयरमेंट लॉस के बारे में जाना था कि इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है। अगर कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर रहा है रिकवरेबल अमाउंट को, तो वहां पे कैरिंग इम्पेयरमेंट लॉस होगा, और इम्पेयरमेंट लॉस की वजह से हमको कैरिंग अमाउंट को क्या करना होता है, रिवाइज करना होता है, ये भी जाना था। लॉस होता है तो हम क्या करते हैं सर, लॉस होता है तो हम अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो किया तो पीएनएल से चार्ज कर देंगे, और अगर रिवल्यूशन मॉडल यूज कर रहे हैं हम लोग तो सर हम जैसा रिवल्यूशन लॉस होता था ना, तो रिवल्यूशन लॉस के लिए रिवल्यूशन सरप्लस अकाउंट डेबिट करते थे जब तक उसमें बैलेंस है, फिर पीएनएल डेबिट करते थे, सेम वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, ये हमने जाना था। और उससे पहले हमने ये सब बारे में डिटेल में देखा था कि क्या क्या होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, एक और एग्जाम्पल लिखिएगा, एक और एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ एन एसेट, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ एन एसेट, ऑफ एन एसेट फाइंड आउट, फाइंड आउट पहला इंपेयरमेंट लॉस एंड इट्स ट्रीटमेंट, इंपेयरमेंट लॉस एंड इट्स ट्रीटमेंट। बी दूसरा करंट ईयर डेप्रिसिएशन, करंट ईयर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंड, फॉर द ईयर एंड। हाँ जी लिखो आगे। तो दो चीजें पता करनी है सर, एक तो इंपेयरमेंट लॉस और उसका ट्रीटमेंट, और करंट ईयर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ओके पर्टिकुलर्स ऑफ एसेट, पर्टिकुलर्स ऑफ एसेट, क्या क्या है सर? कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट कितना, कॉस्ट ऑफ एसेट 56 लाख रुपए, कॉस्ट ऑफ एसेट 56 लाख, यूजफुल लाइफ 10 साल। यूजफुल लाइफ 10 साल, सेल्वेज वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू निल, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ट्वेंटी सेवन लैख 30,000, 27 लैख 30,000। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, अब कितना टाइम बचा है, 3 साल और बचे, मतलब 7 साल बीत चुके हैं। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 3 साल बचे हैं। रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 12 लाख, 12 लाख, डन इन लास्ट ईयर, डन इन लास्ट ईयर 14 लाख रुपए।
पिछले साल अपवर्ड रिवोल्यूशन हुआ था। अब सर अपवर्ड रिवोल्यूशन हुआ था तो हमने इसको किधर ट्रांसफर किया होगा? ऑब्वियसली ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट तुमको पता होना चाहिए, पीपीई के अंदर पढ़ा था हमने, बिल्कुल क्रेडिट टू रिवोल्यूशन रिजर्व। तो अब भी अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस हुआ तो किधर से एडजस्ट होगा? पहले रिवोल्यूशन रिजर्व से और फिर पीएनएल से, पहले रिवोल्यूशन रिजर्व से और फिर पीएनएल से। हाँ जी, तो सर ये सॉल्यूशन कैसे होगा इसका? देखो सॉल्यूशन, कैरिंग अमाउंट कितना बता रहे हैं एट द बिगनिंग? 27,30,000। रिकवरेबल अमाउंट कितना बता रहे हैं? 12 लाख। तो इंपेयरमेंट लॉस कितना हुआ होगा सर? इंपेयरमेंट लॉस इक्वल्स टू कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, कैरिंग अमाउंट 27,30,000 और रिकवरेबल अमाउंट रहेगा कितना? 12 लाख। पंद्रह लाख 30,000 का क्या हो जाएगा? इंपेयरमेंट लॉस हो जाएगा। 15,30,000 का इंपेयरमेंट लॉस। तो अगले ने पूछा था इंपेयरमेंट लॉस, मैंने बता दिया इंपेयरमेंट लॉस कितना, 15,30,000। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा बोलो? ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, सर अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करते तो ये 15,30,000 पूरा पीएनएल में ट्रांसफर होगी, खत्म हो जाता। लेकिन क्योंकि आपने एसेट को लास्ट टाइम क्या किया, रिवेल किया, तो आपने इसका मतलब रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो कर रखा है। अब रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो कर रखा है तो क्या होएगा सर? जितना आपने पहले रिवोल्यूशन रिजर्व में बैलेंस ट्रांसफर किया था 14 लाख रुपए, उतना तक तो क्या होएगा? डेबिटेड टू रिवोल्यूशन रिजर्व अकाउंट, डेबिटेड टू रिवोल्यूशन रिजर्व, डेबिटेड टू रिवोल्यूशन रिजर्व। ओके, कितना अमाउंट? 14 लाख रुपए, और उसके ऊपर जो 1,30,000 है वो डेबिटेड टू पीएनएल, जो 1,30,000 है वो क्या होगा? डेबिटेड टू पीएनएल। टोटल कितना? 15,30,000। ओके, हाँ जी, डन है क्या? डेबिटेड टू रिवोल्यूशन रिजर्व 14 लाख रुपए और डेबिटेड टू पीएनएल कितना? 1,30,000 रुपए। कहा था मैंने रिवोल्यूशन अगर मॉडल यूज करते हो तो रिवोल्यूशन लॉस की तरह ट्रीट करना है। तो इंपेयरमेंट लॉस होगा तो पहले तो रिवोल्यूशन रिजर्व डेबिट होगा, और उस अमाउंट को एक्सीड कर जाता है तो यस पीएनएल में डेबिट होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या सर? अब क्या पूछा? करंट ईयर डेप्रिसिएशन, तो बता दीजिए करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितना आएगा, कितना आएगा बोलो? मैसेज करके बताओ फटाफट से। करंट ईयर डेप्रिसिएशन 7 साल बीत चुके हैं, 3 साल बाकी हैं, करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितना आएगा? करंट ईयर डेप्रिसिएशन सर, इसके लिए हमको क्या करना होगा ना, रिवाइज कैरिंग अमाउंट पता करना होगा। अभी कैरिंग अमाउंट कितना, अभी कैरिंग अमाउंट हमको दे रखा था क्वेश्चन वाले ने 27,30,000। 27,30,000 में से इंपेयरमेंट लॉस आप हटा देंगे, इंपेयरमेंट लॉस कितना? 15,30,000।
12 लाख रुपए का क्या आ जाएगा, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 12 लाख रुपए। अब इस रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 12 लाख रुपए पर आप क्या करोगे? सर हम रिवाइज अमाउंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना आप इन फ्यूचर, बिल्कुल। रिमेनिंग लाइफ कितनी है, क्या वो रिवाइज हुई है क्या? नहीं सर, रिमेनिंग लाइफ रिवाइज नहीं हुई है। रिमेनिंग लाइफ अभी भी कितनी, 3 साल। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा बोलो? सो एनुअल डेप्रिसिएशन इन फ्यूचर अब कितना होगा, एनुअल डेप्रिसिएशन सर रिवाइज कैरिंग अमाउंट 12 लाख है, माइनस सेल्वेज वैल्यू कुछ दे नहीं रखा था, निल, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ 3 साल। तो 12 लाख डिवाइड बाय 3 कितना आएगा, 4 लाख। 12 लाख डिवाइड बाय 3 4 लाख, बस हो गया। तो जो हमने सीखा था कि अगर रेवोल्यूशन मॉडल यूज करते हैं तो उस केस में आप इंपेयरमेंट लॉस का क्या करेंगे, उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन हमने कर लिया है। चलिए अब बढ़ते हैं और आगे। हैशटैग क्या, हैशटैग लिखो, वेन टू कंडक्ट इंपेयरमेंट टेस्ट, वेन टू कंडक्ट इंपेयरमेंट टेस्ट कि एसेट की वैल्यू कम हुई है कि नहीं हुई है, ये टेस्ट कब करना है, वेन टू कंडक्ट इंपेयरमेंट टेस्ट। क्या हर साल देखें और क्या करने का कोई लॉजिक है, कुछ इसके पीछे रीजन है कि इन्हीं केसेस में हम इंपेयरमेंट टेस्ट कर सकते हैं? तो देखो इसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर एनुअल इंपेयरमेंट, रिक्वायरमेंट फॉर एनुअल इंपेयरमेंट, एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट इन केस ऑफ फॉलोइंग एसेट, इन केस ऑफ फॉलोइंग एसेट, क्या क्या? फर्स्ट मतलब मस्ट है कि हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट करना होगा, देखना होगा कि रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम है या नहीं। क्या क्या? सबसे पहला इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट कौन सा वाला इंटेंजिबल एसेट सर, विद इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ, विद इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ, क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा कोई इंटेंजिबल एसेट है जिसका लाइफ हमको पता नहीं है, इनडेफिनेट मतलब पता नहीं कितना चलने वाला है, तो हम उस पर अमोर्टाइजेशन भी नहीं कर रहे होंगे, इसलिए हमको क्या करना होगा, एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट करना होगा, हर साल देखना होगा कि एसेट इंपेयर्ड हुई है कि नहीं हुई है। दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट क्यों? क्योंकि जब वो डेवलपमेंट फेज को क्लियर नहीं कर लेती, जब तक वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर लेती है, तब तक हम उसे एसेट ट्रीट करते नहीं है। तो एसेट ट्रीट करेंगे नहीं तो अमोर्टाइजेशन स्टार्ट होगा नहीं ना, तो जब तक रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली, तब तक आप अमोर्टाइज नहीं कर पाओगे, और अमोर्टाइज नहीं करोगे तो हर बार आपको क्या करना होगा, हर साल आपको क्या करना है, इंपेयरमेंट टेस्ट करना होगा। ओके, तो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट मतलब दैट इज नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज,
ओके, तीसरा गुडविल एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन. गुडविल एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन. तो बिजनेस कॉम्बिनेशन चैप्टर अभी पढ़ना बाकी है. तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में अगर मैंने किसी दूसरे का बिजनेस एक्वायर किया, 10 लाख का बिजनेस 12 लाख पे किया, 2 लाख रुपए का गुडविल, तो वो जो गुडविल है वो भी अपने को क्या करना है, एक्वायर्ड. वो भी अपने को क्या करना है, हर साल चेक करना है. इंपेयरमेंट टेस्ट होगा कि क्या वैल्यू कुछ कम हुआ है क्या. गुडविल एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन. ओके, तो हर साल होगा, किसी को इंडिकेशन की जरूरत नहीं है. मस्ट है एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट आपको इन पे अप्लाई करना है. किस किस पर, इंटेंजिबल एसेट्स विद इंडेफिनेट लाइफ, दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, तीसरा गुडविल. गुडविल कौन सा, एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन. सेल्स जनरेटेड तो वैसे रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, ठीक है ना. तो गुडविल एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन. ओके, बी पार्ट. यहां पे कब किया जाएगा, वेन एवर देर इज एनी इंडिकेशन. इंडिकेशन इंडिकेशन दैट एन एसेट मे बी इंपेयर्ड. एसेट मे बी इंपेयर्ड. ओके, तो इंडिकेशन अगर आपको मिलता है कि यस एसेट इंपेयर हो चुकी है, नुकसान हो चुका है, वैल्यू कम हो चुकी है, तो उस इंडिकेशन के बिहाफ पे आप इंपेयरमेंट टेस्ट कर सकते हैं. यहाँ पे एनुअली नहीं करना है, यहाँ जब आपको इंडिकेशन लगे तब आप एसेट का इंपेयरमेंट लॉस डिटरमाइन करेंगे, इंपेयरमेंट टेस्ट करेंगे कि इंपेयरमेंट लॉस है कि नहीं. सर इंडिकेशंस होते क्या क्या है वो लिख लेते हैं. इंडिकेशंस आर जिसमें फर्स्ट अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल इंडिकेटर्स एक्सटर्नल इंडिकेटर्स जिसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि यस कहीं ना कहीं शायद एसेट की वैल्यू कम हुई है, तो हमें इंपेयरमेंट टेस्ट करना चाहिए. तो एक्सटर्नल इंडिकेटर्स जिसमें लिखूं, डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू, डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट. मान लीजिए एसेट की वैल्यू कम हो गई है, मार्केट में रेट डाउन हो गया है अचानक से, एक्सटर्नल इंडिकेटर है कि हमें इंपेयरमेंट टेस्ट कर लेना चाहिए. सिग्निफिकेंट चेंजेस, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मार्केट कंडीशंस, मार्केट कंडीशंस, इकोनॉमिक एंड लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एंड लीगल एनवायरनमेंट, विच हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन द एंटिटी, विच हैज एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट ऑन द एंटिटी. क्योंकि अगर फेवरेबल इफेक्ट हुआ तब तो मतलब ही क्या, वो तो हमारे फेवर में सिचुएशन, तब नहीं करना इंपेयरमेंट टेस्ट को.
अगर अगेंस्ट में है, कोई टेक्नोलॉजी नया आ गया, चेंज हो गया, तो हमारा जो यूज कर रहे थे, हम जो एसेट यूज कर रहे थे, टेक्निकली आउटडेटेड हो गया है। मार्केट कंडीशंस कुछ ऐसी बन गई है, इकोनॉमिक और लीगल एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा कुछ हो गया है जो एंटिटी के अगेंस्ट में हो, तो यस आपको इम्पेयरमेंट टेस्ट करना होगा। ये सब एक्सटर्नल कंडीशंस हैं। ओके, तीसरा इंक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट। सर ये मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमको इंपेयरमेंट टेस्ट क्यों करना? तुम लोग वैल्यू इन यूज पता करते हो ना? तुम लोग वैल्यू इन यूज पता करते हो? हाँ सर। वैल्यू इन यूज कैसे पता करते हो? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। हाँ सर। प्रेजेंट वैल्यू के लिए पी फैक्टर लेते हो? बिल्कुल। अब अगर पी फैक्टर की जो रेट है वो डिजायर्ड रेट होती है, हाँ मार्केट रेट होती है, बिल्कुल। तो अगर वो मार्केट रेट 10% की जगह मान लो बढ़ के 15% हो गई, 20% हो गई, तो पी फैक्टर कम आएगा कि नहीं आएगा? प्रेजेंट वैल्यू कम आएगा कि नहीं आएगा? वैल्यू इन यूज कम आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। तो वैल्यू इन यूज कम हो जाएगा तो यस हमें इंपेयरमेंट टेस्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है मार्केट में इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंटिंग रेट अगर बढ़ जाता है पी फैक्टर के लिए, डिस्काउंटिंग रेट अगर बढ़ेगा तो यस प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगा, तो वैल्यू इन यूज कम होगा, इसलिए हमें इंपेयरमेंट टेस्ट करना होगा। ओके, ये चीज क्लियर हो गई होगी आई थिंक आप लोगों को, मार्केट इंटरेस्ट रेट वाली। एफएम में पढ़ते हैं सर हम लोग, बहुत बार पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद अब सेकंड, इंटरनल इंडिकेटर्स। इंटरनल इंडिकेटर्स, इंटरनल इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं सर? इंटरनल इंडिकेटर्स इसमें लिखो, ऑब्सोलेसेंस ऑफ फिजिकल डैमेज, ऑब्सोलेसेंस और फिजिकल डैमेज, फिजिकल डैमेज टू द एसेट। तो एसेट को कोई नुकसान हो गया हो, अचानक से टूट गई हो वगैरह, ये आपका इंडिकेटर है, इंटरनल इंडिकेटर की आपको इंपेयरमेंट टेस्ट कर लेना चाहिए। ओके, और क्या? यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, ऑफ एन एसेट बिकमिंग फाइनाइट फ्रॉम इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट से फाइनाइट हो गई हो तब भी आपको क्या कर लेना चाहिए? इंपेयरमेंट टेस्ट करना चाहिए। उसके अलावा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एसेट, ऑफ एन एसेट विल बी वर्स देन एक्सपेक्टेड, जैसा सोचा था उससे कम परफॉर्म कर रहा है एसेट। हमने सोचा था कि भैया ये 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो 9,000 कर रहा है, 8,000 कर रहा है वो मशीनरी, तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का डाउन हो गया। इसलिए भी आप, ये भी एक इंडिकेटर है इंटरनल, जिससे आप इंपेयरमेंट टेस्ट करेंगे। तो अगर आपको कोई एक्सटर्नल या इंटरनल इंडिकेटर दिखाई दिया तो यस आप क्या करेंगे? आप इंपेयरमेंट टेस्ट करेंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो सर कब करना है इंपेयरमेंट टेस्ट, समझ में आया क्या? बिल्कुल सर समझ में आया। क्या समझ में आया? कि तीन एसेट पे तो करना ही करना है। कौन कौन सा? इंटेंजिबल एसेट विद इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ, क्योंकि पता नहीं है ना उसका यूजफुल लाइफ कितना है। दूसरा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, और तीसरा क्या? गुडविल एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये तीनों ध्यान से देखना, ये वो चीजें हैं जिसपे आप अमोर्टाइजेशन नहीं करते हैं, जिसपे आप अमोर्टाइजेशन नहीं करते हैं। और उसके बाद
इंडिकेशन बाकी सारी एसेट्स पे क्या लगना है, इंडिकेशन एक्सटर्नल या इंटरनल। और बड़े आसान है सर, मार्केट में रेट कम हो गया, कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, कोई मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इंटरनल के अंदर कोई डैमेज हो गया हो, परफॉर्मेंस डाउन हो गई हो, और यूजफुल लाइफ ये याद रखना फाइनाइट से इनफाइनाइट से फाइनाइट हो गई हो। ठीक है चलिए ओके। और ये भी सब एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी कोई और रीजन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हैशटैग CGU, कैश जनरेटिंग यूनिट्स। कैश जनरेटिंग यूनिट्स CGU बताया था ना, कभी कभी एक सिंगल एसेट पैसा कमा के नहीं देती है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें प्रोवाइड नहीं करवाती है। सिंगल एसेट, ग्रुप ऑफ एसेट होने से ही वो हमारे लिए क्या करती है, रेवेन्यू जनरेट करके देती है। रिकवरेबल अमाउंट भी केवल ग्रुप ऑफ एसेट का ही देखा जा सकता है, तो उस केस में हम इंपेयरमेंट कैसे करेंगे, ऑन सिंगल एसेट पे ना करके किस पे किया जाएगा, CGU पे किया जाएगा। ओके तो इसमें लिखो क्या लिखे सर, व्हेन सम एसेट्स जनरेट रेवेन्यू इन अ ग्रुप। When some asset generate revenue in a group rather than individually, then impairment test will be done on such group of asset, on such group of asset. Such group of asset are called Such group of asset are called CGU। तो हम प्रॉपर ग्रुपिंग करते हैं, उस ग्रुप में उन एसेट्स को शामिल करते हैं जो कंबाइंडली क्या करते हैं, कैश जनरेट करने में हेल्प करते हैं। सच ग्रुप ऑफ एसेट्स आर कॉल्ड कैश जनरेटिंग यूनिट्स CGU। ओके ऐसे केस में आप हर एक एसेट का रिकवरेबल अमाउंट नहीं पता कर सकते, तो रिकवरेबल अमाउंट आपको किसका दिया हुआ रहेगा, इन दिस केस रिकवरेबल अमाउंट ऑफ CGU इज गिवन Instead of individual asset, instead of individual asset, तो आपको individual asset का recoverable amount नहीं होता है, किसका amount given होता है, CGU का recoverable amount given होता है। ओके अब इसमें हम देखते हैं इंपेयरमेंट लॉस कैसे होगा, कैसे डिटरमाइन किया जाएगा।
सर एक सीजीयू में तो बहुत सारी एसेट्स होती है ना? हाँ होती है, तो उस केस में इंपेयरमेंट लॉस को कैसे अलोकेट किया जाएगा, तो अब इसके लिए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एलोकेशन ऑफ गुडविल टू सीजीयू की, गुडविल को सीजीयू में कैसे अलोकेट किया जाएगा। ओके ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखो फिर इसको समझने के लिए, पहले वन बाय वन एक क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे एलोकेट करना है, और फिर वन बाय वन और कॉन्सेप्ट हम देखते जाते हैं। लिखो एग्जांपल। सीजीयू के केस में इंपेयरमेंट टेस्ट कैसे होगा? हाँ जी, एक सीजीयू है, उस सीजीयू में कौन कौन सी एसेट है? उसमें सर लैपटॉप है, कैमरा है, और राइटिंग पैड है, राइटिंग पैड है और माइक है। ओके, एक सीजीयू जिसमें ये सारी एसेट्स हैं, इनका कैरिंग अमाउंट आपको दे रखा है कितना? कैरिंग अमाउंट सबका बुक वैल्यू तो अलग अलग होगा ना, 200, 300, 100 और 50। अगर हम टोटल की बात करें तो बुक वैल्यू का टोटल कितना हो गया? 500, 600, 650। फिर तुमको गिवन है रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट तुमको इंडिविजुअल एसेट का नहीं मिलेगा, रिकवरेबल अमाउंट तुमको सीजीयू का गिवन होगा, और सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट तुमको गिवन है 520, 520। अब आपको इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है और रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, एंड रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। ओके सर, हिंट क्या रहेगा? हिंट, हिंट बोले तो हिंट मतलब और कुछ नहीं सर, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका कॉन्सेप्ट। इंपेयरमेंट लॉस विल बी अलोकेटेड टू इंडिविजुअल एसेट, टू इंडिविजुअल एसेट इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट, इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। ओके, तो कैरिंग अमाउंट की रेशियो में आप टोटल इंपेयरमेंट लॉस को अलोकेट कर देंगे। चलिए देखते हैं सर सॉल्यूशन। इंपेयरमेंट लॉस कितना है? इंपेयरमेंट लॉस सीजीयू में देखेंगे सर 650 का कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट किसका? सीजीयू का, माइनस रिकवरेबल अमाउंट,
रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू कैरिंग अमाउंट कितना सर? 650। रिकवरेबल अमाउंट कितना? 520। कितना नुकसान हुआ? 130 का, 130। अब इस 130 को अपने को अलोकेट करना है, तो एलोकेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस टू इंडिविजुअल एसेट, टू इंडिविजुअल एसेट इन सीजीयू कैसे होगा? कौन कौन सी एसेट है सर? लैपटॉप है, कैमरा है, राइटिंग पैड है। लैपटॉप आप चाहे तो ऐसा ऐसा लिख लो, भले कोई दिक्कत नहीं। लैपटॉप कैमरा राइटिंग पैड और माइक ओके। कितना कितना सर? 130 का नुकसान है उनके बुक वैल्यू के रेशियो, बुक वैल्यू है टोटल 650, तो 130 का नुकसान लैपटॉप में कितना लॉकेट होगा? लैपटॉप का बुक वैल्यू कितना? 200। टोटल कितना? 650। तो इंटू 200 डिवाइड बाय 650, इंटू 200 डिवाइड बाय 650 कितना होगा? 40। ओके जी। कैमरा के अंदर सर कैमरा का बुक वैल्यू है 300, तो 300 डिवाइड बाय 650 कर दो। 130 का नुकसान इंटू 300 डिवाइड बाय 650 कितना? 60। राइटिंग पैड में कितना? उसका बुक वैल्यू 100, तो 130 का नुकसान 100 डिवाइड बाय 650 20। और माइक, माइक का बुक वैल्यू कितना? 50, तो 50 डिवाइड बाय 650, 50 डिवाइड बाय 650 10। ये लो जी, ये हमने क्या कर दिया सर? ये हमने अलोकेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस को क्या कर दिया? इंडिविजुअल एसेट पे अलोकेट कर दिया है। ओके चलिए सर, अब क्या पता करना है अपने को? रिवाइज कैरिंग अमाउंट पता करना है, रिवाइज कैरिंग अमाउंट। तो चलिए रिवाइज कैरिंग अमाउंट पता कर देते हैं। रिवाइज कैरिंग अमाउंट तो सर बड़ा आसानी से होता है। क्या करना होता है? बस कैरिंग अमाउंट में से इंपेयरमेंट लॉस लेस कर दो। तो लैपटॉप, कैमरा, राइटिंग पैड, माइक, कैरिंग अमाउंट कितना कितना था? कैरिंग अमाउंट 200, 300, 100, 50 लेस इंपेयरमेंट लॉस कितना? 40, 60, 20, 10 ये आ गया रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना? 160, 240, 80 और 40 हाँ जी बोलो, समझ में आ गया यहां तक? तो अगर सीजीयू के केस में हमें इंपेयरमेंट लॉस देखना होगा तो सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट और सीजीयू का कैरिंग अमाउंट देखेंगे पहले, तो इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा।
और उस इंपेयरमेंट लॉस को आप क्या करेंगे, इंडिविजुअल एसेट में उनकी बुक वैल्यू के रेशियो में, कैरिंग अमाउंट के रेशियो में आप क्या कर देंगे, बांट देंगे इन द रेशियो ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। डन है तो बोलना डन, मैसेज करो फटाफट से डन। ओके लवी, ओके हर्ष, ओके स्नेहा, चलिए डन है क्या? बिल्कुल। सीजीयू के अंदर अब और आगे चलो, हैशटैग लगा लो, अलोकेशन ऑफ सीजीयू, अलोकेशन ऑफ गुडविल टू सीजीयू, अलोकेशन ऑफ गुडविल टू सीजीयू, एलोकेशन ऑफ गुडविल टू सीजीयू। अभी लास्ट क्वेश्चन में तो कोई गुडविल नहीं था ना, अभी लास्ट क्वेश्चन में कोई गुडविल नहीं था, अभी अगर सीजीयू पे गुडविल एलोकेट हो रहा हो, एलोकेशन ऑफ गुडविल टू सीजीयू तब कैसे किया जाएगा? सर बिजनेस है, बिजनेस के अंदर क्या है, गुडविल है, बिजनेस एक्वायर किया होगा, गुडविल जनरेट हुआ होगा, अब गुडविल का क्या करें? अब वो गुडविल का यूज अलग अलग सीजीयू में आ रहा होगा, सीजीयू वन पे भी आ रहा होगा, सीजीयू टू पे भी उस गुडविल का इफेक्ट आ रहा होगा, मतलब मैं जो कमा रहा हूँ सीजीयू वन से या सीजीयू टू से, दो ग्रुप बना लिया सेट के, वो दोनों ग्रुप मेरे लिए रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। अब उन दोनों ग्रुप में गुडविल का रोल है ना, अभी गुडविल का रोल कौन से में, सीजीयू वन में है या सीजीयू टू में है या दोनों में है या पता नहीं चल रहा सर, कि एक्चुअली गुडविल का इफेक्ट कितना कितना दोनों सीजीयू में आ रहा है। तीन केसेस बनाए मैंने, सुनना, गुडविल का इफेक्ट केवल किस में आ रहा है, सीजीयू वन या सीजीयू टू, ठीक है ना, दो सीजीयू मान के चल रहा हूँ। अच्छा, या फिर क्या हो रहा है, मेरे को पता है कि अच्छा सीजीयू वन पे इतना आ रहा है और सीजीयू टू पे इतना इफेक्ट आ रहा है, गुडविल के कारण मैं कमा पा रहा हूँ, और तीसरा हो गया कि मेरे को पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन कितना, तो सीजीयू वन को बेनिफिट मिल रहा है, कितना सीजीयू टू को बेनिफिट मिल रहा है गुडविल का, तो अलग अलग केसेस आएंगे। देखो इसमें लिखते हैं पहले, तो गुडविल एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन, गुडविल एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन, इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन डज नॉट जनरेट, डज नॉट जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज, मतलब क्या ये अकेला अपने आप में, ये गुडविल क्या एक ऐसी एसेट है जो अपने आप रेवेन्यू जनरेट कर सकती है इंडिविजुअली? नहीं सर। ओके, इसका मतलब इसको भी कहीं ना कहीं सीजीयू का पार्ट मानना पड़ेगा। बिल्कुल, ग्रुप ऑफ एसेट मिलकर ही रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है, तो गुडविल भी एक ऐसी एसेट है जो अकेला रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है, उस गुडविल को भी हमें सीजीयू में शामिल करना पड़ेगा। अब कौन से सीजीयू में शामिल करें, मान लो एक ही सीजीयू है तब तो वो गुडविल उसी में एलोकेट हो जाएगा, एक से ज्यादा सीजीयू है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुडविल का प्रपोर्शन देखना पड़ेगा कि सीजीयू वन से कितना रिलेट कर रहा है, टू से कितना कर रहा है, थ्री से कितना कर रहा है, एंड सो ऑन। ओके, तो इंडिविजुअली हम इसको इंपेयरमेंट नहीं कर पाएंगे, इसको मिक्स करना पड़ेगा। ओके, किसमें, अदर एसेट्स के साथ, तो क्रिएट करना पड़ेगा सीजीयू, और सीजीयू में हम गुडविल का अमाउंट भी एलोकेट करेंगे और फिर हम इंपेयरमेंट टेस्ट करेंगे। तो गुडविल एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन डज नॉट जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज, देयरफॉर Therefore, it is allocated. Therefore, it is allocated to CGUs. Therefore, it is allocated to CGUs that are expected to benefit. That are expected to benefit from the synergies of the business combination, from the synergies, synergy क्या होता है सर, synergy होता है 2 plus 2 equals to 5,
ये कैसा? मतलब सिनर्जी होता है कि अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, किसी और बंदे का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम दोनों मिल जाएं तो क्या होगा? सर मैं 100 रुपए कमाता हूँ इंडिविजुअली, वो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन कमाता है 100 रुपए, लेकिन हम दोनों अगर मिल जाएं तो हम 200 नहीं, हम 250 कमा पाएंगे। ये 50 रुपए जो हम एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं, ये क्या होगा? ये सिनर्जी इफेक्ट कहलाता है, सिनर्जी इफेक्ट। तो देयरफॉर इट इज एलोकेटेड टू सीजीयू दैट आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम द सिनर्जीज ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो इस बिजनेस कॉम्बिनेशन से किसको फायदा होने वाला है, कौन से सीजीयू को फायदा होगा, कौन सा सीजीयू तुमको रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करके देने वाला है, उस सीजीयू पे तुमको क्या करना होगा, इस गुडविल को अलोकेट करना होगा। अलोकेटेड टू सीजीयू दैट आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम द सिनर्जी ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन। ओके, देखो, इफ गुडविल, इफ गुडविल कैन बी एलोकेटेड, इफ गुडविल कैन बी एलोकेटेड इफ गुडविल कैन बी एलोकेटेड टू अ सीजीयू, टू अ सीजीयू, देन देन कंडक्ट इंपेयरमेंट टेस्ट, देन कंडक्ट इंपेयरमेंट टेस्ट फॉर दैट सीजीयू, फॉर दैट सीजीयू इंक्लूडिंग गुडविल। अभी मैं लिखते चलो, समझ में आएगा, अभी मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा तब। इंक्लूडिंग गुडविल, तो अगर गुडविल को आप अलोकेट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर सीजीयू पे कि भैया इस गुडविल का फायदा इस सीजीयू में हमें मिल रहा है, तब तो आप क्या कर पाओगे, आप इंपेयरमेंट टेस्ट करोगे, तब आपको क्या करना होगा, जब आप अपनी एसेट्स रख रहे होंगे, जैसे यहां पे तुमने रखा लैपटॉप, कैमरा, राइटिंग पैड, माइक, साथ में एक कॉलम और बना देना किसका, गुडविल का, तो इंपेयरमेंट टेस्ट सबका साथ में हो जाएगा। एलोकेट कर सकते हो तो उस पर्टिकुलर सीजीयू के लिए क्या करना, लैपटॉप एक एसेट था, कैमरा एसेट था, राइटिंग पैड था, माइक था, और एक एसेट क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। और जैसे अभी अपन ने इंपेयरमेंट टेस्ट किया था पहले इस क्वेश्चन में, वैसा इंपेयरमेंट टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, बड़ा आसान है, एक एसेट ही तो साथ में रखना है। हाँ जी, हो जाएगा बिल्कुल, उसका भी वैल्यू होगा, कर देंगे। ओके, चलिए अभी इसके लिए आप लिखना जो आने वाले हैं, नेक्स्ट टू एग्जाम्पल, केस वन एंड केस टू, केस वन एंड केस टू। नेक्स्ट, अब एक ऐसा केस कि हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि गुडविल का बेनिफिट कौन से सीजीयू में होने वाला है, हम अलोकेट नहीं कर पा रहे हैं कि किस सीजीयू को कितना बेनिफिट मिल रहा है, क्या पर्टिकुलर 100% बेनिफिट किसी एक सीजीयू को मिल रहा है, या कुछ प्रपोर्शन में किसी सीजीयू वन को मिल रहा है, टू को मिल रहा है, थ्री को मिल रहा है, हम पता नहीं कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, लिखो, गुडविल समटाइम्स कांट बी allocated, goodwill sometimes can't be allocated to individual CGU, to individual CGU CGUs on a reasonable basis, on a reasonable basis, तो कभी कभी क्या होगा, गुडविल समटाइम्स कांट बी एलोकेटेड टू इंडिविजुअल सीजीयू ऑन अ रीजनेबल बेसिस, बट
बट कैन बी कैन ओनली बी अलोकेटेड कैन ओनली बी अलोकेटेड टू अ ग्रुप ऑफ सीजीयू. ओके, किसी एक पर्टिकुलर सीजीयू पे अलोकेट नहीं कर पा रहे कि सीजीयू वन के लिए हमको फायदा मिल रहा है या सीजीयू टू के लिए फायदा मिल रहा है. लेकिन हाँ, फायदा जो मिल रहा है वो दोनों सीजीयू वन के लिए भी मिल रहा है, सीजीयू टू के लिए भी मिल रहा है. इन्हीं दोनों के लिए हमको गुडविल का फायदा मिल रहा है, बट पता नहीं सकते कि कितना कितना. ग्रुप ऑफ सीजीयू, उस केस में क्या करना है? इन दैट केस इंपेयरमेंट कैसे होगा? अब पर्टिकुलर सीजीयू को तो बता नहीं सकते कि उस सीजीयू के अंदर ले जाके इस एसेट को इधर ये इधर गुडविल लिख दूं और उसको भी इंपेयरमेंट टेस्ट कर दूं. नहीं, अगर होगा तब तो ठीक है, सीजीयू के अंदर ले जाके इंडिविजुअली एसेट के जैसे ही हम उसको भी लाइन में खड़ा कर देंगे. लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं. तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में, इन दैट केस, ए पार्ट, फर्स्ट कंडक्ट इंपेयरमेंट टेस्ट of all individual CGUs without goodwill. पहले तो इंडिविजुअली CGU को आप क्या करना, इंपेयरमेंट टेस्ट कर लेना ये मानते हुए कि गुडविल है ही नहीं. इग्नोर गुडविल. तो CGU 1, CGU 2 दोनों का अलग अलग इंपेयरमेंट करना और उसके बाद क्या करना, देन कंडक्ट इंपेयरमेंट टेस्ट. देन कंडक्ट इंपेयरमेंट टेस्ट ऑफ ग्रुप CGUs और फिर CGU पर पूरे CGUs को CGU 1, CGU 2 को लाइन में खड़ा करेंगे और देखेंगे विद गुडविल, और गुडविल को भी बाजू में खड़ा कर रखेंगे और फिर इंपेयरमेंट टेस्ट किया जाएगा अगेन. और इसके लिए हम पढ़ेंगे केस नंबर थ्री. ओके, तो देखेंगे कैसे होगा. ये लाइन लिख तो लिया, बट मुझे पता है कि आपको समझ में कब आएगा जब मैं वो प्रैक्टिकल करवाऊंगा, केस 1, 2 और 3. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, टेक केयर एंड बाय. ठीक है ना, कल वाली क्लास में हम देखेंगे कैसे अलोकेट होगा, कैसे प्रैक्टिकली केस 1 और 2 और 3 होगा. चलिए, थैंक यू.